सो व्हाई वी सेलिब्रेट महाशिवरात्रि वी ऑल नो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, पर हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि हमारे सभी फेस्टिवल्स केवल रिलीजियस इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते बल्कि इनके वैज्ञानिक महत्व भी होते हैं। कहा जाता है कि इस रात्रि को पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की स्थिति ऐसी होती है कि वह मनुष्य के अंदर की ऊर्जा को प्राकृतिक तौर पर ऊपर की तरफ ले जाने का कार्य करती है। इस दिन जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है वो मैक्सिमम होता है। दिस रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ अ फुल बॉडी फ्लूइड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस टुवर्ड्स द ब्रेन, एंड व्हेन द ब्रेन रिसीव्स अ गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट फंक्शंस बेटर, दैट मींस ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्रकृति का असर इस प्रकार होता है कि मनुष्य को उसको स्पिरिचुअल पीक तक जाने के सारे मार्ग आसान हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर कोई सीधा बैठकर स्ट्रेट बैठकर मेडिटेशन करता है तो उसकी ऊर्जा में एनर्जीज में बढ़ावा होता है और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं कई गुना ज़्यादा जितना किसी आम दिन मेडिटेशन करके आपको मिलेंगे। तो OTT इंडिया की ओर से महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।